नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 27 मई। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार दिख रही है कमी। बिहार में अगले 2 दिनों तक होगी बारिश। 64वीं संयुक्त परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी ने साझा की जानकारी। AES और हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। JEE एडवांस की परीक्षा हुई स्थगित। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में मिले COVID-19 के 3,000 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 2603 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,992 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 88, अरवल में 22, औरंगाबाद में 56, बांका में 18, बेगूसराय में 177, भागलपुर में 50, भोजपुर में 29, बक्सर में 19, दरभंगा में 117, ईस्ट चंपारण में 67, गया में 88, गोपालगंज में 52, जमुई में 8, जहानाबाद में 12, कैमूर में 12, बिहार में 66, खगड़िया में 35, किशनगंज में 59, लखीसराय में 18, मधेपुरा में 35, मधुबनी में 55, मुंगेर में 39, मुजफ्फरपुर में 137, नालंदा में 170, नवादा में 15, पटना में 316, पूर्णिया में 115, रोहतास में 33, सहरसा में 67, समस्तीपुर में 123, सारण में 60, शेखपुरा में 15, शिवहर में 15, सीतामढ़ी में 51, सिवान में 72, सुपौल में 107, वैशाली में 117, वेस्ट चंपारण में 29 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही 39 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। वहीं बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 6,641 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,31,916 सैंपल की जांच की गई है। बिहार में आने वाले 2 दिनों तक होगी बारिश। यास तूफान बंगाल और उड़ीसा के तट से टकरा चुका है, जिसके बाद बिहार में भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके तहत ही बिहार के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। इतना ही नहीं, मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 2 दिनों तक लगातार बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही कई जिलों में अच्छी बारिश होने की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यही कारण है कि बिहार सरकार ने NDRF और SDRF की 22 टीमों को तैयार कर दिया है। हालांकि वज्रपात की आशंका भी अब पहले से कम हो गई है। वज्रपात होगा, लेकिन इसका प्रभाव पहले से कम रहेगा, क्योंकि बिहार से तटीय इलाका 500 किलोमीटर दूर है, इसलिए यहां आते आते तूफान का प्रभाव काफी हद तक कमजोर हो जाएगा। 64वीं संयुक्त परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बीपीएससी ने साझा की जरूरी जानकारी। बीपीएससी 64वीं संयुक्त परीक्षा के रिजल्ट को लेकर बेहद अहम जानकारी साझा कर चुका है, जिसके तहत बिहार लोक सेवा आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि 64वीं सिविल सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जून के पहले सप्ताह में जारी किया जा सकता है। इस बाबत आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है और कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक खबरें भी फैला रहे हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानी हो रही है। आयोग के संयुक्त सचिव से परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी नोटिस में साफ शब्दों में कहा गया है कि परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया जारी है, फाइनल जून के पहले सप्ताहांत में जारी होने की संभावना है। कृषि मंत्री ने किसानों को घर में भी बीज मिलने का किया दावा। COVID-19 के माहौल में कृषि मंत्री की तरफ से किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है, जिसके तहत बीते दिन से शुरू हुए रोहिणी नक्षत्र के बीच राज्य सरकार ने किसानों को धान की सब्सिडी मुहैया कराने की घोषणा कर दी है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि बीज की आपूर्ति बिहार राज्य बीज निगम के चिन्हित बीज विक्रेताओं द्वारा की जाएगी। प्रत्येक जिले में 1600 से 1800 क्विंटल धान बीज के वितरण अनुदानित दर पर दिए जाएंगे। जिलों में बीज विक्रेताओं को चिन्हित कर दिया गया है और उनके द्वारा राष्ट्रीय बिहार राज्य बीज निगम को भेजा जा चुका है। यास के मद्देनजर कुछ स्पेशल ट्रेन का परिचालन हुआ रद्द। यास तूफान ने बंगाल और उड़ीसा के तट पर दस्तक दे दी है, जिसके बाद लगातार बंगाल और उड़ीसा की स्थिति भयावह नजर आ रही है। वहीं इसका असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि पूर्व मध्य रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को तूफान के मद्देनजर अस्थायी तौर पर रद्द कर दिया है, जिसके तहत ट्रेन पटना से लेकर अनारकुलम स्पेशल ट्रेन, पुरी जयनगर स्पेशल ट्रेन, जयनगर पुरी स्पेशल ट्रेन 29 मई, टाटा दानापुर स्पेशल ट्रेन 27 मई, दानापुर टाटा स्पेशल ट्रेन 27 मई, पुरी आनंद विहार टर्मिनल स्पेशल ट्रेन 27 मई और टाटा छपरा स्पेशल ट्रेन का परिचालन आज रद्द कर दिया गया है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे सुहासिनी मुलय की। सुहासिनी मुलय का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 20 नवंबर 1950 को हुआ था। सुहासिनी मुलय एक भारतीय अभिनेत्री हैं, जिन्होंने बॉलीवुड, मराठी और असमीज जैसी भाषाओं की फिल्मों में काम किया है। इतना ही नहीं, सुहासिनी मुलय को अपने काम के लिए कई नेशनल फिल्म अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। 1999 में उनकी फिल्म हू तुतु के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला है। सुहासिनी मुलय ने कई फिल्मों में अब तक काम किया है, जिसमें लाइफ हो तो ऐसी, लगान, दिल चाहता है जैसी फिल्मों का नाम शामिल है। शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने के लिए हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। बीते दिन पटना हाईकोर्ट में शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को हटाने के लिए सुनवाई की गई, जिसके तहत 1,25,000 माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक के मामले में जल्द ही रास्ता साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है।
बीते दिन आयोजित सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में भी रोक हटाने के लिए एक बार फिर से अनुरोध किया गया है। एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर एक बार फिर से इस मामले को लेकर एडवोकेट जनरल चीफ जस्टिस शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया है, जिसके तहत राज्य सरकार ने हल्फनामा दायर कर आश्वासन दिया है कि विकलांग उम्मीदवारों को 4% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ग्राहकों से पैसा लेकर बिहार से भागने वाले बिल्डरों की अब खैर नहीं। बिहार रियल स्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी वर्चुअल माध्यम से लगातार अपने काम में जुटा हुआ है। यही कारण है कि रेरा के नए अध्यक्ष नवीन वर्मा के कार्यभार संभालने के बाद कई नए प्रयास देखने को मिल रहे हैं, जिसके तहत रेरा की तरफ से अन्य राज्यों के रेरा प्रशासन के साथ समन्वय बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही बिहार रेरा के सदस्यों के साथ हाल ही में बैठक का आयोजन भी करवाया गया था, जहां पर ही इस बात पर सहमति बनी है कि प्रशासन की तरफ से अगर राज्यों का कोई बिल्डर यहां से ग्राहकों का पैसा लेकर प्रोजेक्ट पर काम नहीं करता है और उस पैसे से दूसरे राज्य में किसी काम की शुरुआत कर देता है, तो ऐसे मामलों में बिल्डरों पर कार्रवाई करने के लिए दोनों तरफ से सहयोग किया जाएगा। जेई एडवांस की परीक्षा हुई स्थगित। 3 जुलाई को आयोजित जेई एडवांस की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आईआईटी में इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश के लिए प्रस्तावित संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2021 को स्थगित कर दिया गया है, जिसको लेकर जेईई एडवांस की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी साझा कर दी गई है। साझा किए गए नोटिस में कहा गया है कि कोविड-19 के कारण महामारी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए जेईई एडवांस 2021 को स्थगित किया जाता है। यह परीक्षा 3 जुलाई 2021 को निर्धारित की गई थी। इसमें कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा की संशोधित तारीख की घोषणा उपयुक्त समय पर की जाएगी। कोरोना काल में रिकॉर्ड स्तर पर हुई महंगाई। कोविड-19 के इस माहौल में चारों तरफ से राज्य की जनता कई तरह की समस्याओं से जूझ रही है, जिसमें से एक महंगाई भी है। खाद्य सामग्रियों के लगातार बढ़ते दामों को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों के साथ महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन इसी को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया था। बैठक के बाद बिहार खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव विनय कुमार ने बताया कि सभी जिलों को कई तरह के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 23 तरह के खाद्य सामग्री को अनिवार्य खाद्य सामग्री सेवा कानून के तहत रखा गया है, जिसमें आटा, चावल, तेल, दाल, नमक, आलू, प्याज, दूध और अंडा सहित कई आवश्यक वस्तुएं शामिल है। बिहार के युवाओं ने वैक्सीनेशन में राज्य को बनाया नंबर 1। बिहार में भले ही टीकाकरण की रफ्तार धीमी हो, लेकिन बिहार के युवाओं ने वैक्सीनेशन के मामले में राज्य को नंबर 1 पर पहुंचा दिया है। मिली जानकारी के अनुसार टीकाकरण के मामले में बिहार ने राजस्थान को पीछे छोड़ते हुए पहली जगह हासिल कर ली है। बिहार के लिए सफलता इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यहां 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन 9 मई के बाद से शुरू हुआ था। हालांकि अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर को इससे पहले ही टीकाकरण शुरू हो चुका था। 22 मई को बिहार भारत में दूसरे पर था। वहीं मंगलवार तक राज्य में टीकाकरण 1 करोड़ के ऊपर पहुंच गया था। बिहार में पश्चिम बंगाल से आने वाले हर यात्री की होगी कोरोना जांच। पश्चिम बंगाल से बिहार आने वाले हर यात्री का कोविड-19 जांच किया जाएगा। चाहे वो यात्री किसी भी साधन से बिहार पहुंचे, बिना कोविड-19 जांच के उन्हें बिहार में प्रवेश नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोविड-19 को लेकर हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस आशय के निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल में पॉजिटिविटी रेट अधिक रहने को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बीते दिन आयोजित किए गए बैठक में कई जिलों के डीएम भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद थे। वहीं इस बीच स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इस मौके पर एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से कोरोना की अद्यतन स्थिति और जांच और टीकाकरण का अपडेट दिया। आर्मी के पूर्व ट्रेनर देंगे पुलिस जवानों को ट्रेनिंग। बिहार पुलिस के जवानों को आर्मी के पूर्व ट्रेनर अब ट्रेनिंग देने वाले हैं। संसाधन और तकनीक के मामले में अपराधियों से एक कदम आगे रहने के लिए भी बिहार पुलिस के जवानों को आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने की तैयारी चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस के जवानों को समय के मुताबिक नए नए तरीकों के हथियार से संबंधित ट्रेनिंग में भी परिवर्तन किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने निर्णय लिया है कि बिहार पुलिस के जवानों को अब आर्मी के पूर्व ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। इस बाबत पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र कुमार ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि पुलिस जवानों को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दिलाई जा सके, ताकि वो अपने क्षेत्र जाकर उसका उपयोग कर सके। AES और हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की हाई लेवल मीटिंग। बीते दिन बिहार में AES और हीट वेव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसके तहत प्रभावित जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक की। बैठक में हीट वेव और AES और कालाजार से निपटने पर विशेष चर्चा की गई। संबंधित जिलों के जिलाधिकारी से तैयारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान जायजा भी लिया और साथ ही कई दिशा निर्देश भी जारी किए। समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जापानी इंसेफ्लाइटिस, हीटवेव तथा कालाजार की जिलावार अद्यतन स्थिति एवं उसके बचाव को लेकर की जा रही तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
एंटी कोविड मेडिसिन 2DG का आज जारी होगा दूसरा बैच। कोविड 19 मरीजों के उपचार में काम आने वाली दवा 2DG की दूसरी खेप आज जारी की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार कुल मिलाकर 10,000 पाउच आज जारी किए जाएंगे। वहीं इस बाबत हैदराबाद में डॉक्टर रेड्डीज लैब ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति का अस्पताल या फिर किसी संस्थान को दवा से जुड़ी कोई जानकारी हासिल करनी हो तो वो कंपनी के ईमेल आईडी toDG@drreddy.com पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। तूफान यास को लेकर जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर। यास तूफान बंगाल और उड़ीसा के तट से टकरा चुका है। वहीं बिहार में भी लगातार हो रही बारिश के कारण इसका असर देखने को मिल रहा है। इसी बीच पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। यह कक्ष 24 घंटे काम करेगा, जिसके तहत 3 पारियों में अधिकारियों और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। साथ ही लोगों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं, जिसके तहत अब लोग 0612-221-9810 या फिर 0612-221-9234 या 0612-221-9199 या फिर 0612-221-9915 पर कॉल करके मदद मांग सकते हैं। इसके साथ ही तूफान के पटना में प्रभाव की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी ने आम लोगों से अपील की है कि वो बिना कोई जरूरी काम के घर से बाहर ना निकले और सजग और सतर्क रहें। इसके साथ ही सिविल सर्जन को एम्बुलेंस की व्यवस्था रखने का निर्देश दिया गया है। वहीं निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए भी निर्देश जारी किया गया है। 10 सेकंड में धराशाही हुआ 2 मंजिला मकान। बीते दिन बिहार के जहानाबाद जिले में 10 सेकंड में 2 मंजिला मकान को गिरते देखा गया। जर्जर मकान के गिरने के डर से उसमें रह रहे लोग पहले ही बाहर आ गए थे। बुधवार को मकान पहले सड़क की तरफ हल्का झुका, फिर धीरे धीरे झुकता चला गया। 10 सेकंड में मकान ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिसके बाद इसका लाइव वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। यह वाक्य जहानाबाद जिला के मखदूमपुर के NH-83 किनारे स्थित बाजार का है। लॉकडाउन के चलते बड़ा हादसा टल गया। मकान जिस सड़क पर गिरा वो लॉकडाउन नहीं रहता तो वहां पर गाड़ियां और लोगों की भीड़ भारी संख्या में देखने को मिलती। मिली जानकारी के अनुसार यह मकान काफी समय से जर्जर हालत में था। आज लॉन्च होगा भंडार पोर्टल और आयुष संजीवन ऐप। आज आयुष क्लिनिकल केस रिपोजिटरी पोर्टल और आयुष संजीवन ऐप के तीसरे संस्करण को लॉन्च किया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय राज्य आयुष मंत्री किरण रिजिजू इसकी शुरुआत करने वाले हैं। यह लॉन्चिंग एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से होगी, जिसके बाद इस पोर्टल के माध्यम से आयुष ऐप से आम जनता दोनों को काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इस पोर्टल का उद्देश्य बड़े पैमाने पर आयुष चिकित्सकों द्वारा प्राप्त नैदानिक परिणामों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। यह न केवल सूचना के प्रसार बल्कि आगे के विश्लेषण और अनुसंधान की सुविधा भी प्रदान करेगा। इससे विभिन्न रोग स्थितियों के उपचार के लिए आयुष प्रणालियों की ताकतों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की हेल्थ कैंप की समीक्षा। जेल से बाहर आने के बाद राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी का हालचाल जान रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हेल्थ कैंप की समीक्षा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लालू ने शेखपुरा के चेवारा प्रखंड के अम्बेडकर चौक राजद द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य कैंप की समीक्षा की। इस कैंप में छेवाड़ा, श्रवण बीघा, राकड़, लहना, बेंगुचा, सिझौड़ी, एकरामा, महेशपुर, एकाढ़ा सहित अन्य गांव के सैकड़ों ग्रामीण कैंप पहुंचे थे। वहीं समीक्षा के दौरान लालू यादव ने कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सजग और सचेत रहने की अपील की। बीते दिन राजद कार्यकर्ताओं ने मनाया प्रतिरोध दिवस। किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे होने के अवसर पर जहां एक तरफ राजधानी दिल्ली के किसानों ने काला दिवस के रूप में 26 मई को मनाया, वहीं दूसरी तरफ राजद के कार्यकर्ताओं ने इसे प्रतिरोध दिवस के रूप में मनाया। जहां इस मौके पर किसान मोर्चा के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध दिवस पर देश के अन्य 12 प्रमुख विपक्षी दलों के साथ राजद की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसके तहत पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन ने बताया कि देश के 12 प्रमुख विपक्षी दलों द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन को दिए गए समर्थन के आलोक में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इतना ही नहीं, जन अधिकार पार्टी ने भी बीते दिन काला दिवस मनाया, जिसके तहत नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने IMA से की खास अपील। बाबा रामदेव और IMA एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, जिसके बाद अब सारे मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बाबा रामदेव के एक बयान के बाद देश भर में बवाल मचा है। IMA रामदेव के खिलाफ में उतर गया है। IMA बनाम बाबा रामदेव के विवाद पर बिहार भाजपा डॉक्टर संजय जायसवाल ने खास अपील की है, जिसके तहत उन्होंने सभी मित्रों से आग्रह किया है कि कृपया करके घटियापन में प्रतियोगिता कर अपने वर्षों के साधन को बर्बाद ना करें। इसके तहत उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि कुछ दिनों से काफी प्रतियोगिता देखने को मिल रही है। हर बकवास का जवाब देना कोई आवश्यक नहीं होता। ज्यादा बोलकर आप किसी को जरूरत से ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं।
भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा आज के दिन से शुरू हुआ था। 2008 में केंद्र सरकार ने सीमेंट निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को आज के दिन वापस लिया। आज के दिन तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा ने 2010 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन पटना रेलवे जंक्शन के पास 125 करोड़ रुपए की लागत से बने 200 फुट ऊंचे स्तूप वाले बुद्ध स्मृति पार्क को जनता को समर्पित किया। 1951 में बंबई में तारापुर वाला मछली घर का उद्घाटन हुआ। 1964 में आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध इतिहासकार विपिन चंद्र का जन्म 1928 में आज के दिन हुआ। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी एवं कमेंटेटर रवि शास्त्री का जन्म 1962 में आज के दिन हुआ। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनेता नितिन गडकरी का जन्म भी 1957 में आज के दिन हुआ। हेनरी निकोलस ने भारतीय टीम को लेकर दिया अपना बयान। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज हेनरी निकोलस ने भारतीय तेज गेंदबाजों को लेकर हाल ही में अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में उन्हें रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा के स्पिन गेंदबाजों की जोड़ी से होने वाले खतरे को लेकर ज्यादा फिक्र है। भारत और न्यूजीलैंड की टीम WTC के पहले फाइनल में साउथहैम्पटन के एजुस बाउल मैदान पर भिड़ेगी। इस पर आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार साबित होती है। न्यूजीलैंड टीम के ब्लैक ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि भारत के पास बहुत अच्छा और तेज आक्रमण है और उनके पास अश्विन तथा जडेजा जैसे अनुभवी स्पिनर भी है। वे दुनिया में अच्छा क्रिकेट खेल चुके और उनकी गेंदबाजी शानदार है। आरोग्य सेतु ऐप पर भी यूजर को मिलेगा ब्लू टिक। अब ट्विटर की तरह ही आरोग्य सेतु ऐप पर भी यूजर को ब्लू टिक मिलेगा, जिसके तहत आरोग्य सेतु ऐप अब उन लोगों को यह टिक देने वाला है जिन लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। इसको लेकर आरोग्य सेतु की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा कर दी गई है। ट्वीट में कहा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप पर वैक्सीनेशन स्टेटस को बताया जाएगा। वैक्सीनेशन स्टेटस को आरोग्य सेतु पर अपडेट किया जा सकता है। इसके साथ ही वैक्सीनेशन के बाद आपको ब्लू टिक और ब्लू शील्ड दिए जाएंगे। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, ब्लू टिक रजिस्टर्ड व्यक्ति को ही दिया जाता है और उनके नाम के आगे लगाया जाएगा जो वैक्सीन ले चुके हैं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 26 मई को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,800 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 47,800 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 72,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 90.05 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.58 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम मांझी, शहबाज आलम, सोनू सम्राज ऑफिशियल, मुकेश कुमार पासवान, पवन कुमार, श्वेता रॉय, प्रदीप, विकी कुमार, आलोक कुमार, पंकज कुमार, पवार मयंक, गौतम पंडित, रंजीत मेहता, रानी कुमारी। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, यास तूफान का असर आपके आसपास या आपके जिले में देखने को मिला या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।